नगर पालिका चुनाव एकदम करीब आ गए हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां, तमाम दावेदार सामने नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसके दावेदारों पर सबकी नज़र है, क्योंकि नगर पालिका में शायद एकाध ही बार कांग्रेस का चेयरमैन रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का सीट पर कब्जा रहा है। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी इस चुनाव में घट चुकी है। पिछला चुनाव इन्होंने इनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, इन्होंने लगभग नामांकन भी अपना कर दिया था, लेकिन अंतिम समय में इनका कुछ एज का मसला आया जिसकी वजह से इनको नॉमिनेशन अपना वापस लेना पड़ा। आज सीधे उन्हीं से रूबरू होंगे, लगभग उनका टिकट तय भी माना जा रहा है। आइए वरुण जी से बात करते हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है। अगर तो हम ये जानना चाहेंगे चूँकि पिछली बार जो आपका टिकट था जनता लगभग आपको मान भी चुकी थी कि आप प्रत्याशी, ऐसा क्या घटा था पहले उस घटना के बारे में? देखिए, पिछली बार कांग्रेस ने मुझे मेरी पत्नी को प्रत्याशी बनाया था और उस समय मेरी पत्नी की उम्र कम थी और इस वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए थे, नॉमिनेशन नहीं किया था हमने, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उनको नॉम बनाया गया था, दुर्भाग्य से उम्र कम थी और इस वजह से हम चुनाव नहीं। अब की चूँकि सबकी निगाहें भी सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पे आपको देखा जा रहा है जी, सबकी निगाहें भी आप पे, और कितना पहली बार तो सबसे पहला ये सवाल ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी क्या आप पर ही दावा लगाएगी, इसकी कितनी उम्मीद है? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह इसलिए है कि नगर पालिका के पिछले 5 सालों के आकंठ भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर किसी ने सड़क से लेकर शासन तक संघर्ष किया है तो आप स्वयं भी मीडिया से जुड़े हैं जानते होंगे इस बात को, सबसे ज़्यादा संघर्ष अगर किसी ने किया है तो मैंने किया है। चूँकि मैं पिछली बार लड़ते लड़ते रह गया था इसलिए मुझे इस बार लड़ना ही था, मुझे मालूम था कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैंने भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ सदैव आवाज़ उठाई, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ उसके विरोध में मैं खड़ा रहा और जहां भी जनहित की बात आई सबसे आगे मैं खड़ा रहा, इसलिए मुझे भरोसा है कि कहीं ना कहीं मेरी पार्टी भी इस बात को देख रही होगी। और बीजेपी एक केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे में निकाय चुनाव पर सबकी निगाहें होगी, कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल का दबाव होगा, ऐसे में उस दबाव से कैसे निपटने की क्या रणनीति आपकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा चेयरमैन है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव को अपने हक में करना चाहिए। देखिए, अगर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसको दबाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन का उपयोग करें, प्रशासन का उपयोग करें। ये चुनाव जनता लड़ने जा रही है, जनता बनाम भाजपा होने जा रहा है और प्रत्याशी को तो दबा सकते हैं, जनता को दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा पाई है। इस बार जनता चुनाव लड़ने जा रही है, जनता जब विरोध में खड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि वो उसका चुनाव किससे है, उसका चुनाव किसी वरुण मिश्रा से, किसी कांग्रेस से नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जनता से होने जा रहा है, जनता जवाब देगी, इस बात के लिए मैं आश्वस्त हूँ, मैं जानता हूँ कि जनता जवाब देगी। देखिए, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है नगर पालिका की समस्याएं हैं, इस बार जाति का मुद्दा नहीं चलेगा, ना धर्म का मुद्दा चलेगा, मुझे लगता है ये वाला चुनाव जो होने जा रहा है ये मुद्दों का चुनाव होगा। मुद्दों का चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में जब जनता के सामने चुनाव करने की चुनौती थी तो जनता ने एक बार सिंबल को वोट देके देख लिया है कि सिर्फ सिंबल को वोट देने का असर क्या होता है, ये व्यक्तित्व का चुनाव होगा, मुझे पूरी तरह से इस बात का यकीन है। मैं जानता हूँ जन समस्याओं के लिए मैंने पिछले 5 सालों में जो संघर्ष किया है उसका रंग अब दिखने लगा है, लोग स्वयं से मुझे कह रहे हैं कि आप इस पद के योग्य हैं और मुझे लगता है कि जनता मेरे साथ इस बार खड़ी है। आपकी थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड होगी, ऐसे में क्या सोच लेकर के नगर पालिका नगरवासियों के लिए क्या ऐसी योजनाएँ अलग से हैं आपके मन में, कुछ ऐसा है जो आप नगरवासियों को देना चाहेंगे? देखिए, नगर पालिका में जाति धर्म और मजहब की बात सब करते हैं, मुद्दों की बात कोई नहीं करता और उसमें भी नौजवानों की बात कोई नहीं करता। मेरे मन में नौजवानों के लिए एक सपना है, अगर मुझे जनता चुनती है तो नौजवानों के लिए खासकर मैंने एक सोचा है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर ही बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है जनता के बीच में वो है जाम की समस्या। बच्चे हमारे घर से निकलते हैं और स्कूल से आते समय जब वो 2 घंटे बस में फंस जाते हैं तो उस समय माँ बाप और बच्चों के दिल पे जो बीतती है, चूँकि मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे जब देर से स्कूल से आते हैं तो मुझे कैसा लगता है और उन बच्चों पर क्या गुजरती है। तो शहर में सबसे बड़ी समस्या जाम की है, जाम से निजात दिलाऊंगा इस बात का वादा है। और सबसे बड़ी बात छुट्टा जानवरों की है, छुट्टा जानवरों की समस्या से इस नगर को मैं सुरक्षित करूँगा। जो नगर के अंदर कूड़ा डंपिंग यार्ड भाजपा के चेयरमैन ने ज़बरदस्ती बनवाया, मैं उसको इस नगर से बाहर करूंगा, आबादी से दूर ले जाने का काम करूंगा और शहर की सड़कों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं भ्रष्टाचार मुक्त एक नगर पालिका का निर्माण करने का मेरा विजन है। राहुल गांधी जी चल रही है, कांग्रेस बड़ी उपेक्षित रही लगातार बीते विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, अब नगर निकाय में, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एकाध बार छोड़कर शायद ही कभी काबिज हो पाई है, तो क्या जो राहुल गांधी जी का विजन और राजू गांधी की राहुल गांधी जी की बात जो है उसका भी कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा चुनाव में?
देखिए उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो हिमाचल ने दिखा दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम सबसे पहले हिमाचल ने बताया है। हिमाचल ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, नकार कर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में मौका दिया है। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही, जैसे जैसे राहुल जी का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों को इस बात का यकीन हो रहा है कि भाजपा के शासन के खिलाफ कोई आदमी सीना तान कर भी खड़ा हो सकता है और भारत जोड़ो का संकल्प लेकर भी निकल सकता है। उसी संकल्प का परिणाम हिमाचल की जीत के रूप में हमको मिला है वापस, और निश्चित रूप से सुल्तानपुर की नगर पालिका भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ने जा रही है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी का चुनाव, जैसा आपने कहा कि बहुत दिन से नहीं जीती है, निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी नगर पालिका के अंदर अपना परचम लहरा रही है। साथ थे कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी वरुण मिश्रा, जिनका पूरा दावा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी हर हाल में भारत नगर पालिका की सीट पर अपना कब्जा बरकरार करेगी। फरीद अहमद, न्यूज़ टैक्स, सुल्तानपुर।